Hello friends and welcome to Adda 247. My name is Saurabh Day and you are watching Adda 247 my dear friends. So bachcho, अब देखा जाए तो हम लोग तकरीबन काफ़ी दिनों से आपको एक के बाद एक एक्सरसाइज कराते जा रहे हैं आपके एसबीआई पीओ के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए. पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि आपका इंग्लिश क्लियर हो जाए एंड आई होप कि आप भी हमारे साथ मिलके एफर्ट कर रहे होंगे. तो गाइज, इससे पहले कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूँ, मैं चाहूँगा सभी लोग फटाफट लिख लो कॉमेंट सेक्शन में, इंग्लिश फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क इक्वल्स टू 1 PM, 1 PM इक्वल्स टू इंग्लिश फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क. कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, ये हमारा स्टार्टिंग का देखा जाए तो सेरेमनी है छोटा सा, ये देखा जाए एक कहते हैं आप रसम टाइप की है. तो चलो लिख लो बच्चों फटाक से, दैट इंग्लिश फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क इक्वल्स टू 1 PM एंड 1 PM इक्वल्स टू इंग्लिश फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क. थैंक यू एवरीबॉडी गाइस. तो चलिए, अच्छा इस बार देखा जाए तो हम लोग वो कैप बेस्ड थोड़ा सा सवाल देखेंगे. जाहिर सी बात है बच्चे ये सवाल देख के काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस भी होते हैं. तो चलिए देखते हैं हम लोग यहां पर जो पहला सवाल है, लेट्स सी दैट नाउ. सो द आर्मी हैज ब्लैंक स्पेस ओवर 2500 टूरिस्ट स्टैंडर्ड नियर द 17th माइल एरिया इन द ईस्ट सिक्किम क्लोज टू द इंडो चाइना बॉर्डर बिकॉज ऑफ द हेवी स्नो फॉल्स ऑफिशियल सेड ऑन सैटरडे. सो गाइज, यहां पर बताइए आप मुझे कि सही जवाब जो है ब्लैंक स्पेस में हम क्या लगा देंगे, सेव, रेस्क्यूड, किल्ड, फेल्ड, कैप्चर्ड. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप एंड आंसर माय डियर फ्रेंड्स. कम ऑन, टाइम अप प्लीज. ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट गाइज, वेरी इजी क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबॉडी. ओके, जस्ट 10 सेकेंड्स गाइज, हरी अप एवरीवन, कम ऑन. एंड टाइम इज अप. तो ऑलमोस्ट देखा जाए सभी लोग समझ गए हैं कि जवाब यहां पर क्या है और सभी लोग बता रहे हैं आंसर क्या है. देखो, सेव का मतलब हो गया बचाना, रेस्क्यूड का मतलब भी हो जाना है, यू नो टू सेव, ऑलराइट, इसका मतलब भी बचाना हुआ. किल्ड आपको पता ही है, फील्ड आपको पता ही है, कैप्चर्ड का मतलब कैद कर लेना, ठीक है. तो देखो जाहिर सी बात है हैवी स्नोफॉल था, देयर वाज हैवी स्नोफॉल, तो उससे जो आर्मी है उसने टूरिस्ट को बचाया ही होगा ना. टूरिस्ट तो घूमने घामने गए होंगे तो उनको कैप्चर क्यों करेंगे, राइट. सो डेफिनेटली नाउ सी, हैज लगा हुआ है. अब हैज लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स, वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म या तो आपका ऑप्शन बी में है, या तो सी में है, या तो डी में है, या तो ई में है. बट यहां पर क्योंकि हमें बचाना है तो सही आंसर क्या लगा देंगे, इट हैज टू बी ऑप्शन बी माय डियर फ्रेंड्स, राइट. तो मतलब हम लोग कह सकते हैं आंसर एक बार दिखा भी दीजिए हमको, एंड यस इट हैज टू बी ऑप्शन बी गाइस. तो वन का बी आंसर है ना, आई होप सब लोगों ने फटाफट इसको लिख भी लिया होगा. तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन, नंबर टू क्या है. So a high performance magnetic tunnel junction that makes use of wave-like properties that are known and blank space in optics has been proposed by researchers from Indian Institute of Technology, Mumbai. तो बताइए बच्चों, ये जो blank space है यहाँ पर, options है mechanized, using, exploited, farmed, fermented. Your time starts now. So can we have the answer please? Hurry up everyone, only 20 seconds left now, so hurry up. Last 10 seconds guys, come on. Okay, the time is up. So a high performance magnetic tunnel junction that makes use of wave-like properties that are known एंड ब्लैंक स्पेस इन ऑप्टिक्स. अब यहां पर एंड ब्लैंक स्पेस इन ऑप्टिक्स क्या हो जाएगा, बताइए बच्चों क्या लगता है आप लोगों के यहां पर सही जवाब क्या हो सकता है. मैकेनाइज का मतलब समथिंग जिसमें मशीनरी इन्वॉल्व हो, यूजिंग इस्तेमाल है, एक्सप्लॉइटेड उस किसी चीज का दुरुपयोग कह सकते हैं आप, राइट. देन फार्म्ड देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि हम क्या खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म है फर्मेंटेड. सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर नाउ, एंड द करेक्ट आंसर इज, वेल जाहिर सी बात है बच्चों ऑप्शन सी, एक्सप्लॉइटेड. देखो नॉर्मली क्या होता है, दुरुपयोग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लॉइटेड, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो एक्सप्लॉइटेड हम लगा सकते हैं, ठीक है. सो अ हाई परफॉर्मेंस मैग्नेटिक टनल जंक्शन दैट मेक्स यूज ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज दैट आर नोन एंड एक्सप्लॉइटेड इन ऑप्टिक्स एंड यूज्ड इन ऑप्टिक्स.
मिस्टेक्स। देखा जाए बच्चों यहां पर एक्सप्लॉइट का जो सेंस है वो यूज्ड का है, इस्तेमाल का है, दुरुपयोग का नहीं है। मैंने कहा था ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, बहुत से लोग कंफ्यूज हो भी गए, बट गाइस टू का सी इज द आंसर एंड आई होप आप सभी लोगों ने इसको लगा दिया है। तो बच्चों लगाया ना आपका, आपने टू का सी, टेल मी गाइस हैव ऑल ऑफ यू सेड टू का सी इज द आंसर, सबने कह दिया इसको, बिकॉज दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। टू का सी, वेरी वेल डन गाइस, दैट्स द करेक्ट आंसर। नाउ चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है, नंबर थ्री, लेट्स गो ओवर देयर नाउ। सो अ मैग्नेटिक टनल जंक्शन हैज टू लेयर्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ब्लैंक स्पेस बाय एन इंसुलेटिंग बैरियर। तो ऑपरेशंस है सेपरेटेड, जॉइनिंग, मेस्मराइज्ड कंजंक्शन एंड कॉइलिंग। तो बताइए बच्चों यहां पर सही जवाब क्या लगा देंगे आप, टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप एंड आंसर गाइस, कम ऑन। फिफ्टीन सेकेंड लेफ्ट गाइस, हरी अप, कम ऑन। लास्ट फाइव सेकेंड्स गाइस, कम ऑन, व्हाट्स द आंसर हियर। ओके, द टाइम इज अप। वेल, सो अ मैग्नेटिक टनल जंक्शन हैज टू लेयर्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ब्लैंक स्पेस बाय एन इंसुलेटिंग बैरियर। तो अब बताओ बच्चों, देखा जाए वैसे जनरली हम कह सकते हैं यहां पर या तो आप पास्ट टेंस लगाओगे या तो आप आईएनजी लगाओगे, राइट? तो अब देखा जाए इसका मतलब, अच्छा एक चीज तो क्लियर है कि ऑप्शन डी तो हरगिज नहीं होगा, डी कांट बी द आंसर, या तो ए होगा राइट या फिर बी होगा, है ना। अब मेस्मराइज तो जाहिर सी बात है फीलिंग वाली बात है तो ये नहीं होना चाहिए, कॉइलिंग हो सकता है। तो वेल गाइज लेट्स सी द एक्चुअल आंसर एंड द आंसर इज वेल डेफिनेटली इट हैड टू बी सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग बैरियर। अलग कैसे होता है, हाउ इट गेट्स डिफरेंशिएटेड, हाउ इट्स एक्चुअली यू नो गेट्स डिवाइडेड, इट्स डन बाय एन इंसुलेटिंग बैरियर। सो थ्री का ए इज द आंसर गाइज एंड आई होप सभी लोगों ने थ्री का ए लगा दिया है, लगा दिया ना सब लोगों ने थ्री का ए। तो वेल गाइज आई होप सबको लेवल वैसे अच्छा लग रहा होगा, ऑल ऑफ यू लाइक द लेवल, लाइक द क्वेश्चन, लाइक आर एफर्ट्स। तो सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर दो गाइज, कम ऑन। सो ऑल ऑफ यू लाइक द वीडियो क्विकली एंड राइट डाउन लाइक्स, सभी लोग वीडियो को लाइक दे फटाफट और लिख दे लाइक सर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वन, नंबर फोर क्या है। एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट एंड स्काई गेजर्स विल बी एबल टू ब्लैंक स्पेस फाइव एक्लिप्सेस इन 2019, टू ऑफ व्हिच विल बी विजिबल इन इंडिया। देखिए ऑप्शन आपके पास है कैलकुलेट, फील, एक्सपीरियंस, फोरकास्ट, विजिबल। तो बताओ बच्चों यहां पर जो इंफिनिटिव है टू के साथ हम क्या लगा देंगे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप एंड आंसर गाइस, कम ऑन, टाइम अप प्लीज। ओके गाइस 20 सेकंड्स, हरी अप एंड आंसर। लास्ट 10 सेकंड्स पीपल, कम ऑन, व्हाट्स द आंसर हियर। ओके द टाइम इज अप। सो बच्चों देखो जाए यहां पर तो टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना था, राइट? तो जाहिर सी बात है देखो यहां पर एक्लिप्स का अनुभव करने की बात हो रही है एंड फॉर अनुभव वी यूज एक्सपीरियंस, राइट? बाय अनुभव वी मीन एक्सपीरियंस, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि मेरे ख्याल से तो देखो ऑप्शन सी एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। अब आपके हिसाब से क्या है आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक? वेल लेट्स सी द आंसर एंड द आंसर इज ऑप्शन सी एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है बच्चों उसके अलावा कोई पॉसिबल था भी नहीं। सो फोर्थ का सी इज द आंसर गाइज एंड आई होप ऑल ऑफ यू, सभी लोग मेरे से अग्री करते हो गाइज, सो ऑल ऑफ यू अग्री, फोर्थ का सी इज द आंसर, एक्सपीरियंस इज करेक्ट, टेल मी गाइज ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस, दैट्स वेरी गुड टू सी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वन, नंबर फाइव क्या है उसको देख लेते हैं। सो हीलियम द सेकंड मोस्ट ब्लैंक स्पेस एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हार्ड टू कम बाय ऑन अर्थ इन इट्स गैसियस स्टेट बिकॉज इट इज सो लाइट दैट इट कैन एस्केप इजिली। तो अब आप बताइए बच्चों यहां पर हम क्या लगा देंगे, अबैंडन सीन, अक्लेम्ड, अबंडेंट, अवेलेबल। सही जवाब क्या लगा देंगे बच्चों, टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप एंड आंसर गाइस, कम ऑन, टाइम अप। ट्वेंटी सेकंड्स लेफ्ट गाइस, हरी अप। लास्ट 10 सेकंड्स गाइस, हरी अप।
ओके सो गाइस देखा जाए यहाँ पर तो जाहिर से बताया हमको एक एडजेक्टिव चाहिए राइट वी रिक्वायर एन एडजेक्टिव ओवर हियर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट क्या बोलते हो आप लोग यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए तो क्या अबंडेंट लगाना चाहिए बिकॉज देखो अबंडन मतलब त्याग देना वर्ब है सीन मतलब देख लेना अक्लेम्ड मतलब देखा जाए जिसको एक्नॉलेज किया गया हो बहुत ज़्यादा और अबंडेंट मतलब वाइडली अवेलेबल एंड अवेलेबल इज अवेलेबल है ना लाइक व्हाट्सएप वाला अवेलेबल सो व्हाट डू यू से गाइस एडजेक्टिव में क्या लगा देंगे वेल लेट्स सी द करेक्ट आंसर एंड द आंसर इज ऑप्शन डी अबंडेंट बिल्कुल तो आराम से हर जगह आपको मिल जाती है हेलियम इट्स क्वाइट अबंडेंट इट्स इन अबंडेंस ऑन अर्थ तो इसीलिए इनफैक्ट नॉट ओनली ऑन अर्थ ऑल्सो इन द यूनिवर्स राइट तो एनी वे बच्चों यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन डी देखा जाए अबंडेंट इज द आंसर फिफ्थ का डी तो आई होप सभी का स्कोर जो है 515 तो हो ही गया होगा देवर गुड लेवल क्वेश्चन बट देन अगेन कोई बहुत ज्यादा टफ तो नहीं रहे होंगे आप लोगों के लिए सो फिफ्थ हो गया ना स्कोर 515 चलिए वैसे आगे बढ़ते हैं नंबर 6 क्या है उसको देखते हैं नेक्स्ट वन गाइस सो द न्यू ई-कॉमर्स पॉलिसी बिट्रेस अ ब्लैंक स्पेस व्यू ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिटेल तो यह अ ब्लैंक स्पेस व्यू क्या हो जाएगा डेज टाइडनेस क्लियरनेस फियर्स मडल्ड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सो हरी अप एंड आंसर गाइस कम ऑन टाइम अप प्लीज Come on, guys, 1 second left now. Okay, last 10 seconds, guys, hurry up. Okay, the time is up. So, the new e-commerce policy betrays a blank space view. वेल अ डेज व्यू क्या आपको लगता है यहां पर डेज व्यू होना चाहिए या फिर फियर्स व्यू या क्लियरनेस व्यू या फिर मडल्ड व्यू या टाइडनेस व्यू देखो भाई डेज का मतलब अलग है टाइडनेस का मतलब साफ सुथरा क्लियरनेस का मतलब एकदम ही क्लियर फियर्स का मतलब बहुत खतरनाक और मडल का मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा गंदा टाइप का कह सकते हैं हम सो एनी वे लेट्स सी व्हाट इज द आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल तो है ये बट कैन वी हैव द आंसर नाउ The answer is going to be option E, muddled over here. जाहिर सी बात है तो देखा जाए तो थोड़ा सा मडल किस्म का व्यू जो है ऐसा नहीं रहा है ई कॉमर्स पॉलिसी का तो ये हम मान सकते हैं चीजें बेटर हो गई हैं पहले से तो 6 का ई गाइस इज द आंसर एंड आई होप सभी लोगों ने 6 का ई ही लगाया है यही लगाया ना आपने 6 का ई टेल मी गाइस यही लगाया था ना बिकॉज दिस इज द आंसर माई डियर फ्रेंड 6 का ई इज द करेक्ट आंसर अच्छा तो बच्चों एक चीज और वेल आई होप आप सब लोगों ने लाइक तो वीडियो को पहले ही कर दिया होगा बट हाँ सब्सक्राइब तो कर लिया है ना अपने 247 को बिकॉज देखो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा है कि नहीं तो इसीलिए और सिर्फ इस वीडियो में नहीं किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा तो जितने भी लोग यहाँ लिख रहे हैं आई एम न्यू हियर तो बच्चों सभी लोग फटाक से सब्सक्राइब कर लो 247 को और जो बेल बटन है जो घंटा है उसको भी टैप कर दो ओके गाइस तो सभी लोग बच्चों फटाक से सब्सक्राइब 247 देन टैप द बेल बटन और लिख भी दो यहाँ पर सब लोग सब्सक्राइब कर लो फिर लिख दो यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड टैप्ड द बेल बटन कम ऑन गाइस हरी अप क्विकली सब्सक्राइब्ड एंड टैप्ड द बेल बटन पर कर लो फिर लिख लो चलिए अब देखते हैं नंबर 7 क्या है अगला सवाल द मेघालय माइनिंग डिजास्टर हैज ब्लैंक स्पेस अ सीरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस तो ये जो ब्लैंक स्पेस है बच्चों इसमें आपको क्या लगता है हमें क्या लगाना चाहिए योर ऑप्शंस आर मैनिपुलेटेड एक्सपोज्ड हेंसफोर्थ शोइंग डिलेड सही जवाब टाइम स्टार्ट्स नाउ हरी अप आंसर गाइस कम ऑन Time is up. All right. So the Meghalaya mining disaster has blank space, a series of administrative lapses. तो देखो बच्चों जाहिर सी बात है कि हम has के बाद देखा जाए तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाएंगे और disaster है तो जाहिर सी बात है exposure तो उसमें हुआ ही होगा और मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन बी लगा दो दैट इज द आंसर बट एक्चुअल आंसर क्या है जरा हम लोग कंफर्म भी कर लेते हैं वेल
इट हैज टू बी एक्सपोज एनी वे, सामने ले आए किसी भी चीज को. सो एंड यस दैट इज द आंसर गाइज, हैज का तो हम वैसे भी थर्ड फॉर्म अभी यूज करते हैं. सो दैट्स द आंसर सेवंथ का भी, दैट्स वेरी वेरी गुड टू सी लोगों ने सही जवाब लगाया है. तो सेवंथ का भी इज द आंसर एंड थैंक यू एवरी वन फॉर सब्सक्राइबिंग एंड टैपिंग द बेल बटन. चलिए अब नेक्स्ट वन क्या है, नंबर एट उसको देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर आठ. ओके तो आठ से पंद्रह, अब यहां पर देखो क्या है, अब तक तो आप मेरे ख्याल से एक फिलर्स देख रहे थे, अब मल्टीपल फिलर्स, मेनली टू फिलर्स आपको मिलेंगे पर क्वेश्चन. सो नाउ द लेवल गॉट इवन हायर एंड द क्वेश्चन विल गेट इवन मोर इंटरेस्टिंग. तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर आठ, नेक्स्ट वन. सो अमेरिकन स्टॉक सफर्ड देयर वर्स्ट क्रिसमस ईव लॉस इन मार्केट ब्लैंक स्पेस with the Dow Jones Industrial Average losing a blank space 650 points on Monday, a drop of almost 3% within a single trading session. तो बताइए बच्चों यहां पर आपके हिसाब से ऑप्शन दिए हुए हैं, history is excessive, period magnificent, bulk major, strategy great, history and massive. So what is the answer? Time starts now. Can we have the timer please? लेफ्ट गाइस हरी अप. लास्ट 10 सेकेंड्स गाइस कम ऑन. ओके तो देखो बच्चों देखा जाए यहां पर अमेरिकन स्टॉक्स की ही हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हिस्ट्रीज तो करने का कोई मतलब नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ए तो देखो नहीं होगा. अच्छा इन मार्केट पीरियड, वेल इन मार्केट पीरियड क्या पता है ये सही हो जाएगा. अब देखो इन मार्केट बल्क तो हरगिज नहीं होगा, इन मार्केट स्ट्रैटेजी मे बी द आंसर, इन मार्केट हिस्ट्री ये तो ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट आंसर है, तो मे बी बी डी और ई. अब सेकेंड क्या है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लूजिंग अ ब्लैंक स्पेस, मैग्निफिशियंट तो बिल्कुल सूटेबल लग रहा है, ग्रेट तो हरगिज नहीं होगा, तो मतलब डी ऑल्सो गेट्स रिमूव्ड, मैसिव हो सकता है, तो यानी कि या तो बी आंसर है या फिर ई आंसर है. तो बताइए बच्चों दो सेकेंड क्या लगाएंगे आप, बी लगाएंगे ई लगाएंगे, फाइनल आंसर गाइस कम ऑन एवरीबॉडी टेल मी, इज बी द आंसर इज ई द आंसर, आपके हिसाब से बच्चों फर्क से कम ऑन एवरीबॉडी, बी या फिर ई. वेल लेट्स सी द एक्चुअल आंसर नाउ एंड द आंसर इज ऑप्शन ई, हिस्ट्री एंड मैसिव. जाहिर सी बात है कि जो पहला ऑप्शन था पीरियड वो उतना ज्यादा पक्का नहीं था, बट ऑप्शन ई में हिस्ट्री एंड मैसिव दोनों ही एग्जैक्टली करेक्ट थे एंड दैट इज व्हाई दैट्स द आंसर. चलते हैं अगले सवाल पर, नंबर नाइन क्या है, मिस्टर ट्रंप हैज बीन कीन ऑन प्रोजेक्टिंग द स्टॉक मार्केट्स परफॉर्मेंस एज अ ब्लैंक स्पेस ऑफ हाउ वेल द यूएस इकोनॉमी इज डूइंग अंडर हिज ब्लैंक स्पेस. सो गाइज योर ऑप्शंस आर राइट हियर ए बी सी डी ई, सही जवाब क्या है, टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप एंड आंसर माय डियर फ्रेंड्स कम ऑन. ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट गाइज हरी अप एंड आंसर कम ऑन. लास्ट 10 सेकेंड्स गाइज कम ऑन, व्हाट्स द आंसर हियर. ओके द टाइम इज अप. ऑल राइट तो अब देखा जाए बच्चों, एज अ ब्लैंक स्पेस द स्टॉक मार्केट्स इज परफॉर्मेंस एज अ ब्लैंक स्पेस. तो देखो भाई जाहिर सी बात है सिंगुलर है तो बेंचमार्क्स तो नहीं होगा, अनइम्पॉर्टेंस भी नहीं होगा, गॉज मे बी टू मार्क, गॉज मे बी द आंसर एज अ बैरोमीटर, वंस अगेन एक मीटर है नापने का, तो ये भी हो सकता है. ई नहीं होगा ऐसा हम अभी नहीं कह सकते, मे बी सी मे बी डी मे बी ई. ओके अंडर हिज ब्लैंक स्पेस प्रेसिडेंसी, भाई प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंसी तो उनकी होती है, कॉन्ट्राडिक्शन अब ये तो मुझको नहीं लग रहा है, बट व्हाट डू थिंक गाइस, मे बी सी मे बी डी क्या बोलते हो आप लोग. वेल लेट्स सी द एक्चुअल आंसर नाउ, सही जवाब क्या हो जाएगा, कैन वी हैव द आंसर नाउ, नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वन प्लीज. यस बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉज एंड प्रेसिडेंसी. तो मतलब बच्चों नाइन्थ का सी जो है ये बिल्कुल सही जवाब है और आई होप कि सभी लोगों ने इसको लगाया होगा. राइट गाइज डू यू ऑल अग्री विद मी, नाइन्थ का सी इज द आंसर, सब लोग अग्री मेरी इस बात पे. चलिए नेक्स्ट वन नंबर टेन क्या है इसको देखते हैं. अगला सवाल, लॉज सीकिंग टू रेगुलेट ऑनलाइन एक्टिविटी ब्लैंक स्पेस ऑन सोशल मीडिया विल हैव टू बी टेस्टेड ब्लैंक स्पेस टू फंडामेंटल राइट्स फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी. तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने है, स्पेशल फॉर पर्टिकुलरली फ्रॉम पर्टिकुलर विथ स्पेशली अगेंस्ट नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, टाइम स्टार्ट्स नाउ,
Hurry up and answer, guys. Come on, time up, please. Seconds left, guys. Hurry up. Last 5 seconds, guys. Come on. What's the answer here? Okay, the time is up. तो देखो बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो adverb आपको चाहिए यहाँ पर है कि नहीं. तो particularly, especially ये दोनों ऐसे adverbs हैं जो कि suitable लग रहे हैं मुझे number 10 के हिसाब से. फिर आगे देखा जाए will have to be tested from या फिर against two fundamental rights. क्या लगता है बच्चों आप लोगों को कि what do you think over here? Is B the answer? Is D the answer? वैसे दूसरे भी options हो सकते हैं but I want to see what do you think guys? B हो जाएगा या D हो जाएगा? आपको क्या लगता है बच्चों बताओ कितने लोग कहना है यहाँ पर B is the answer? Come on guys, 2 seconds. How many of you say B is the answer and how many of you say that D is the answer? Well, let's see the actual answer now. तो सही जवाब है बच्चों option D. Especially जाहिर सी बात है बच्चों हमें यहां पर लगाने थी एक एडवर्ब जो कि बिल्कुल फिक्स कर रहे हैं उस बात पे स्पेशली ऑन सोशल मीडिया. बिल्कुल सही है विल हैव टू बी टेस्टेड अगेंस्ट. भाई जाहिर सी बात है यार ये तो मतलब फ्री स्पीच हो गया प्राइवेसी हो गया तो फंडामेंटल राइट्स है तो उसके अगेंस्ट में टेस्ट होता है ये. तो मतलब गाइस 10th का डी हम लोग कह सकते हैं इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है तो चलिए देखो वैसे 10 सवाल हो चुके हैं. क्वेश्चन पसंद आ रहा है ना लाइक आपको लाइक भी किया था आपने वीडियो बिकॉज क्वेश्चन अच्छा लग रहा था और लेवल भी अच्छा है ना. तो आप लोग चाहते हो डू यू वॉन्ट द पीडीएफ ऑफ द सेशन टेल मी गाइस. क्या पीडीएफ चाहिए आपको ये सभी सवाल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए? अगर चाहिए पीडीएफ तो लिख देना कमेंट सेक्शन में. यस सर वॉन्ट द पीडीएफ आई वॉन्ट टूडेज पीडीएफ. सभी लोग जिनको भी चाहिए पीडीएफ वो लिख दें यहां पर आई वॉन्ट टूडेज पीडीएफ इन द कॉमेंट सेक्शन. चलिए देखते हैं अगला सवाल नंबर 11 ओवर हियर. With just months to blank space for the general election, the government looks all blank space to open the credit taps of the economy. तो यहां देखो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं went, prepared, have to, pass, ready, count, determined, go and set. सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? Time starts now. So hurry up and time up please. Come on. Only 20 seconds left, guys. Hurry up. Last 10 seconds, guys. Come on. What's the answer here? Okay. Well, बच्चों देखो जाहिर सी बात है टू के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे है ना और वेंट या हैव उनमें से दोनों नहीं है. पास हो सकता है काउंट हो सकता है गो हो सकता है तो या तो सी या तो डी या तो ई. ओके नाउ एनीवे फिर आगे देखते हैं. फॉर जनरल इलेक्शन द गवर्नमेंट लुक्स ऑल blank space to open credit taps of the economy. All ready, all determined, all set. What do you think guys? C या D या E? Final 2 seconds guys. Tell me, क्या लगाओगे आप? C या D या E? वैसे maximum लोग मैं देख रहा हूँ E लगा रहे हैं. So, what do you think guys? Is the answer? Well, let's see the exact answer now. And the exact answer is, क्या हो जाएगा? बताइए community, क्या लगाएंगे यहाँ पे? It has to be option E. देखा जाए बस एक महीना बचा जनरल इलेक्शन के लिए और सरकार बिल्कुल तय कर चुकी है बिल्कुल सेट है इस बात को लेके. ओके सो 11th का E इज द आंसर. नाउ मैक्सिमम पीपल ज्यादातर लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है. इनफैक्ट सभी लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है सर पीडीएफ चाहिए पीडीएफ चाहिए. तो बच्चों पीडीएफ चाहिए तो वैसे ही मैं भी सोच रहा हूं कि आपने वीडियो को शेयर किया है. किया है वीडियो को शेयर? वेल गाइस जिन्होंने भी कर दिया है बहुत ही अच्छी बात. जिन्होंने नहीं किया है वो फटाक से वीडियो को शेयर कर दें टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बाकी और जहां चाहो वहां पर भी. ठीक है और सभी लोग लिख दो फटाक से शेयर्ड सर शेयर द वीडियो एंड राइट डाउन शेयर्ड सर. ठीक है सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ और लिख दो शेयर्ड सर. चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वन नंबर 12 क्या है अगला सवाल. सो वन गुड वे To end any year is to look blank space at all the things you hated and make a list of the stuff that you reckon won't ever be blank space back. तो बताइए बच्चों यहाँ पर सही जवाब क्या लगा देंगे आप? Options are right here. A, B, C, D, E. Time starts now. So hurry up and answer, guys. seconds left, guys. Hurry up.
Last 5 seconds, guys. Come on. टाइम इज अप गाइस. ओके, सो यहां पर ये देखा जाए तो तकरीबन बहुत सारे लोग ए में भी कंफ्यूज हैं, बी में भी कंफ्यूज हैं, सी में भी हैं और डी में भी हैं. मतलब जिसे बोलते हैं मैक्सिमम डिवीजन मुझे दिख रहा है इस सवाल पे पर्टिकुलर यहां पर. सो एनीवे, वन गुड वे टू एंड एनी ईयर इज टू लुक बैक एट ऑल द थिंग्स यू हेटेड. जाहिर सी बात है आप लुक फॉरवर्ड तो नहीं करोगे उस चीज को जिससे कि आपको नफरत रही हो, तो हेटेड लुक बैकवर्ड हो सकता है, बैक हो सकता है, बिहाइंड हो सकता है. मतलब ए मे बी दी आंसर, सी में भी दी आंसर, डी में भी दी आंसर. बट आगे देखते हैं फिर आगे क्या है. अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द स्टफ एंड दैट यू रेकन वोंट एवर बी ब्लैंक स्पेस बैक. तो हो सकता है बिहोल्डिंग बैक, हो सकता है कमिंग बैक, हो सकता है होल्डिंग बैक. तो बताओ बच्चों सही जवाब आपके हिसाब से क्या हो जाएगा. बी लगाया, सॉरी ए लगाया है, सी लगाया है या डी लगाया है. टेल मी गाइस, 2 seconds फॉर ऑल ऑफ यू. इज ए दी आंसर, इज सी दी आंसर, इज डी दी आंसर. क्या बोलते हो आप लोग. वेल इट्स टाइम टू सी आर आंसर. और हमारा जवाब जो है वो क्या है बताइए, क्या लगा देंगे हम लोग यहां पर. आंसर प्लीज, इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी माय डियर फ्रेंड, दैट इज लुक बैक. जाहिर सी बात है एंड वोंट एवर बी कमिंग बैक, सिंपल इज दैट. तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें दोबारा नहीं आएंगी अगले साल में, क्योंकि आप उनका नोट कर चुके हैं और आप उनका ध्यान रखोगे. सो 12th का सी गाइस काफी तगड़ा जवाब था यहां पे. बहुत सारे लोग ऑप्शन ए लगा रहे थे बच्चों. देखो लुक बैकवर्ड और लुक बैक में डिफरेंस है. बैकवर्ड मतलब पिछड़ा, ठीक है, बैक मतलब पीछे, राइट, दोनों में डिफरेंस है. तो इसीलिए बच्चों यहां जो आंसर था वो 12th का सी था, लुक बैक. आई होप आप मेरा पॉइंट जो है वो समझ गए होंगे. अब अगला सवाल देखते हैं, नंबर 13, लेट्स सी दैट नाउ. सो ग्लोबल रिटेलर वॉलमार्ट ब्लैंक स्पेस आउट अ वूपिंग $16 billion टू अक्वायर अ ब्लैंक स्पेस स्टेक इन ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट टू टेक ऑन राइवल Amazon. तो बताइए बच्चों यहां जवाब क्या लगा देंगे आप. टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप एंड आंसर गाइस. ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट गाइस, हरी अप. लास्ट 10 seconds गाइस, कम ऑन, व्हाट्स द आंसर हियर. वेल, तो देखो जाहिर सी बात है यहां पर 60 अगर अक्वायरमेंट हो रहा है, अक्वायरिंग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यानी कि मनी स्पेंड ही किया जा रहा होगा. तो या तो ऑप्शन ए में जो शेल्ड है या तो हम लोग इसको लगा देंगे. गेव आउट, वेल गेव आउट तो जाहिर सी बात नहीं होता है, लेविड अब लगाते हो विद टैक्स. तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन ए शेल्ड ही लगाना चाहिए हमें यहां पर. अ कंट्रोलिंग स्टेक एंड मोस्ट प्रोबेबली कैन बी अ सूटेबल कॉम्बिनेशन, शेल्ड एंड कंट्रोलिंग. क्या बोलते हो आप लोग, जरा देखते हैं हमारे आंसर क्या है. एंड येस इट इज ऑप्शन ए, शेल्ड एंड कंट्रोलिंग. वेल गाइस स्पेंडिंग की बात और किसी में हुई नहीं थी. लेविड आप टैक्स पे लगाते हो, सरकार तो है नहीं इन्वॉल्वमेंट जो टैक्स लगाएगी. तो जाहिर सी बात है कि 13th का ए शेल्ड एंड कंट्रोलिंग वॉज द ओनली पॉसिबल आंसर. एंड आई होप आप सभी लोग अग्री करते हैं मेरे आंसर से. सो डू यू ऑल अग्री गाइस, 13th का ए इज द आंसर. क्या सब लोग बात तो तैयार है, बिल्कुल बात को मानते हैं मेरी. Yes, that's the answer, guys. चलिए चलते हैं next one. Number 14 क्या है? Prime Minister Narendra Modi on Sunday blank space renaming of 3 islands of Andaman and Nicobar on the occasion of 75th anniversary of the tricolor blank space by Netaji Subhash Chandra Bose here. तो बताइए बच्चों यहां पर सही जवाब क्या लगा देंगे आप. Time starts now, so hurry up and answer, guys. लास्ट 10 seconds गाइस, कम ऑन, क्या लगाएंगे आप. बिल्कुल भाई, अब देखा जाए यहां पर तो जो आपका ऑप्शन बी है ये तो बिल्कुल पक्का लग रहा है. बिकॉज देखो ऑन संडे, वंस अगेन एक एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है. तो ऐसे केसेस में आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है. रिलीज्ड रीनेमिंग, देखो रीनेमिंग का रिलीज तो नहीं होता है, रीनेमिंग का अनाउंसमेंट होता है ना. किसी भी का नाम चेंज हो रहा है तो अनाउंसमेंट होता है. तो जाहिर सी बात है कि जो अनाउंस्ड है ये हो सकता है. और प्लस आगे देखो ट्राई कलर को देखा जाए तो हॉइस्ट किया जाता है कि नहीं,
भाई आप ट्राइकलर तिरंगा फहराते हैं तो उसको होस्टिंग ही तो बोलेंगे. तो ऑप्शन बी जो है बच्चों अनाउंस एंड होस्टिंग ये होना चाहिए आंसर. कैन वी हैव द आंसर प्लीज? यस बिल्कुल 70 जो 14 का बी है दैट इज द आंसर गाइस. एंड आई होप सभी लोगों ने इसको लगा भी लिया होगा. सो 14 का बी ऑल्सो देखा जाए तो आपके ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी आपके देखा जाए जीए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये 14 का बी नॉट टी. 14 का बी इज द आंसर गाइस. चलिए नेक्स्ट वन क्या है नंबर 15 उसको देखते हैं हम लोग. सो द रॉस आइलैंड वॉज ब्लैंक स्पेस एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप. द नील आइलैंड ब्लैंक स्पेस नाउ बी नोन एज शहीद द्वीप एंड द हैवलॉक आइलैंड एज स्वराज द्वीप. मिस्टर मोदी सेड ड्यूरिंग स्पीच. तो बच्चों यहां पर आपके पास जो जवाब है वो आप दे दीजिए. ऑप्शन है ए बी सी डी ई. टाइम स्टार्ट्स नाउ सो हरी अप एंड आंसर माय डियर फ्रेंड्स. कम ऑन. Last 10 seconds, guys. Come on. What's the answer here? Okay, time is up, guys. Now. तो यहां बच्चों देखा जाए तो द रॉस आइलैंड वॉज ब्लैंक स्पेस एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप. द नील आइलैंड ब्लैंक स्पेस नाउ बी नोन एज शहीद द्वीप. तो बच्चों देखो यहां पर कॉल्ड एंड कुड रीनेम एंड विल रीनेम्ड एंड वुड डेजिग्नेटेड एंड वुड. भाई देखो जाहिर सी बात है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है दोबारा नाम चेंज हुआ है तो नाम चेंज हुआ है तो रिनेम्ड होना चाहिए. ऑप्शन सी शुड बी द आंसर. क्या बोलते हो आप लोग? कुछ लोग कह रहे हैं सर बी हो जाएगा. तो बताओ बच्चों 2 सेकंड दे रहा हूं फाइनली. क्या बोलते हो आप लोग? रीनेम रिनेम्ड या डेजिग्नेटेड? क्या बोलते हो? चलो बताओ फटाक से क्या लगा देंगे बी सी या डी? क्या सही जवाब हो जाएगा? वेल लेट्स सी व्हाट इज आर करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज वेल रीनेम्ड एंड वुड नाउ बी नोन एज. ठीक है बच्चों इसके अलावा और कोई भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं था. तो 15th का सी हम सब लोग कह सकते हैं दिस इज द आंसर ओवर हियर. चलिए स्लाइड को हम लोग हटा लेते हैं यहाँ पर. ओके सो गाइस देखा जाए मैं समझ सकता हूँ कि सभी लोगों ने बढ़िया से एक अच्छा से नाच किया है. वो क्या बढ़िया आपकी मजबूत हुई होगी प्रैक्टिस हुई होगी. साथ ही में मैं चाहूंगा जिनको भी पीडीएफ चाहिए आज के इन सवालों का वो बिल्कुल टेलीग्राम ऐप पहली बार डाउनलोड कर लें और दूसरी बार जो मेरा ग्रुप है इंग्लिश बाय सौरभ सर उससे आप लोग जुड़ जाएं. अगर आप चाहते हैं चैनल से जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं. नाम है उसका सौरभ सर ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल और पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में भी और चैनल में भी. सो टिल देन माय डियर फ्रेंड्स टिल टाइम आई मीट यू अगेन नेक्स्ट पीस आउट.